कुल्लू जिला मुख्यालय में नगर परिषद कुल्लू ने राज्य स्तरीय पीपल मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय देवता बीरनाथ गौहरी अपने लाव लश्कर के साथ ऐतिहासिक ढालपुर मैदान के अस्थाई शिविर पहुंचे। इस वर्ष आदर्श आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन कुल्लू में पीपल मेले का आयोजन कर रहा है और नगर परिषद की तरफ से भी जिला प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा है। कुल्लू में राज्य स्तरीय पीपल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के लिए बीरनाथ गौहरी अपने लाव लश्कर के साथ ढालपुर मैदान के अस्थाई शिविर पहुंचे। अस्थाई शिविर में नगर परिषद अध्यक्षा विमला महंत और उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी सुरेश जसवाल भी उपस्थित रहे। ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में पीपल मेले में सांस्कृतिक संध्या में कलाकार दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार जिला प्रशासन कुल्लू पीपल मेले का आयोजन कर रहा है। आचार संहिता के चलते पीपल मेले में नगर परिषद को बजट कम मिला है, जिससे ये मेला फीका पड़ गया है। इस बार ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में दर्शकों को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर की आवाजें सुनने को नहीं मिलेगी। नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी पीपल मेला धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवता बीरनाथ गौहरी के अस्थाई शिविर में पहुंचने पर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। सबसे पहले तो हर साल की तरह 28 अप्रैल को जो पीपल मेला शुरू होता है और आज उसकी आगाज शुरू हो गई है। देवता गौरी जी आज जो हमारे यहाँ मैदान में पधार चुके हैं अपने कैंप में, और इसके साथ ही मेले का जो आगाज शुरू हो गया है, तो इसके साथ ही पूरे अपने कुल्लू वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की पीपल मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास करके जो यहां व्यापारी आए हैं, व्यापारी भाइयों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि यहां से कमा कर जाए, ताकि हमारा मेला जो हर साल की तरह, क्योंकि व्यापारियों के सिर पर होता है, तो बहुत अच्छे ढंग से हमारा मेला हो और देवता के आशीर्वाद से इनसे सब कमा के जाए। वहाँ पर मेला पूरा होता था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के रिजर्वेशन के कारण वहाँ पर जो मेले की जो है परमिशन नहीं मिली है। इस कर जो मेला जो है उपल प्रदर्शनी ग्राउंड में आ गया है, तो इसमें भी कोई नहीं है। सारा मेला क्योंकि एक जगह है, मीना बाजार, ये सारा एक जगह इकट्ठा हुआ है, इससे लगता है कि अच्छा मेला चलेगा। व्यापारियों को इसमें निराश होने की बात नहीं है। और इसके साथ ही जो कल्चर प्रोग्राम है उसको इलेक्शन कमीशन को देखते हो काफ़ी कट, बजट को देखते हो काफ़ी कट कर दिया लगता है, क्योंकि बाहर से जो कलाकार स्टार वगैरह मेरे को लगता है बहुत कम आएंगे, और हमारा लोकल जो कलाकारों को तरजीह दी जाएगी, चाहे वो मणिकर्ण वैली से हो, चाहे अपर वैली से हो, कहीं से लोकल कलाकार, क्योंकि लोकल कलाकारों को ये स्टेज नहीं मिलता है। नगर परिषद कुल्लू के कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी सुरेश जसवाल ने बताया कि कुल्लू जिला में ये मेला प्राचीन संस्कृति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मेले में सभी व्यापारियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता के कारण मेला एक सप्ताह तक चलेगा और इस बार बजट का कोई खास प्रबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी गायक नरेंद्र ठाकुर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इसे आग्रह करूंगा लोगों से कि वो आएं, कल्चर प्रोग्राम है उसको भी देखें, साथ में सफाई के बारे में भी मैंने सभी को आगाह किया हुआ है, जितने भी जिनको प्लॉट दे रहे हैं कि वो सफाई का भी ध्यान रखें, अपने अपनी स्टॉल में जहां भी है वहां अपना डस्टबिन वगैरह लगाएं, क्योंकि मेन सफाई का है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट करती बार सफाई को इग्नोर हो जाती है कई बार, लेकिन हमने एक व्यवस्था और भी की है कि 2-3 आदमी हमारे किल्टा लेके चलते रहेंगे, जिससे कि वो जहाँ भी कुछ पॉलोथीन या कोई कूड़ा दिखे तो वो अपने किल्टे में उठाकर उसको डिस्पोज ऑफ करें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।